आ गए हैं नंदनकानन पे, जो पूरे भारत का सेकंड लार्जेस्ट जू है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। यह जो आप देख रहे हैं यह नंदनकानन का पूरा फुल मैप है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हम आ गए हैं टिकट करवाने। यूजुअली टिकट के 50 रुपये लगते हैं, लेकिन 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सिर्फ 10 रुपये का टिकट। तो दोस्तों हम अंदर आ चुके हैं और हमारे स्वागत के लिए एक सुंदर सा फाउंटेन, बढ़िया सा फाउंटेन है। अब चलिए दोस्तों अब खो जाते हैं पक्षियों के दुनिया में। अति सुंदर पक्षियों को देखने के बाद तो चलिए दोस्तों अब हम बोटिंग करते हैं। नंदनकानन आए हैं और बोटिंग नहीं किए तो क्या किए यार। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं बोटिंग के लिए अलग टिकट करवाना पड़ता है, जो कि यहाँ मिलता है। दोस्तों बोटिंग करने के बाद अब हम आ गए हैं रेप्टाइल पार्क पे, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के रेंगने वाले जानवर देखने को मिलते हैं। तो अब हम आ गए हैं निशाचर कक्ष में। क्योंकि यहाँ पे निशाचर प्राणी रहते हैं, यहाँ के लाइट्स उतने ब्राइट नहीं हैं, फिर भी चलिए देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है। ताजुब हो रहा है ये देखते हुए कि
यहाँ पे कितने प्रकार के जानवर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे देखिए जंगल का राजा सो रहा है। तो यह है यहाँ का फेमस रॉयल बंगाल टाइगर, जिसका नाम है नंदन, और इसी के नाम पे जू का नाम नंदनकानन रखा गया है। दोस्तों अब हम आ गए हैं यहाँ के एक्वेरियम पे। ताजुब हुआ ये जानकर कि दुनिया की सबसे दुर्लभ मछलियों में से एक पिराना को भी यहाँ रखा गया है। अब हम आ गए हैं बर्ड एवियरी पे। यहाँ पे पक्षियों को अनुकूल परिस्थितियों में रखा जाता है। अब हम इसके अंदर प्रवेश करते हैं और जानते हैं यहाँ पे क्या होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पोटैशिक वाटर रखा गया है। तो चलिए आगे चल के देखते हैं क्या होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे छोटे छोटे कुटीर बनाए गए हैं जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है। तो आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जब हम इसके अंदर गए तो हमने देखा कि यहाँ पे एक सांप घुस आया था और उसको भगाने के लिए स्नेक हेल्पलाइन वालों ने बहुत मेहनत की।